भारत की बुलेट ट्रेन को अभी एक और बड़ा झटका मिलने जा रहा है। कल ही मैंने आपको बताया था कि जापानीज के इन्फ्लेटेड बुलेट ट्रेन की कॉस्ट की वजह से भारत ने डिसाइड किया है कि हम वंदे भारत का एक नेक्स्ट वर्जन बनाएंगे जिसकी टॉप स्पीड होगी 250 किलोमीटर पर आर की। तो वहीं अब अपडेट निकल कर आ रही है कि पहले जो 2 घंटे का सफर कहा था ना, लग रहा है कि अब ये सफर थोड़ा लंबा हो जाएगा, 3.5 घंटे तक हो सकता है। बताया जा रहा है कि क्योंकि इन ट्रेन को 220 किलोमीटर पर आर के ऑपरेशनल स्पीड के लिए डिजाइन किया जाएगा और वहीं इनकी टॉप स्पीड होगी मात्र 250 किलोमीटर पर आर की। तो वहीं जापानीज से हम जो E5 सीरीज की शिंकानसेन मंगाना चाहते थे, इन्हें डिजाइन किया गया है 350 किलोमीटर पर आर की। वहीं इनकी ऑपरेशनल स्पीड बताई जा रही थी 320 किलोमीटर पर आर की। तो स्टिल हम काफी पीछे हैं अगर उनके लेवल तक पहुंचना है तो। सो ये तो हो गए बुलेट ट्रेन सेट्स के बारे में, लेकिन पटरियां बिछाने की जब बात आती है, भारत ने यहाँ पर एक पूरी फ्लीट ऑफ मशीनरीज बिछा दी है। यहाँ पर 4 सबसे बड़ी मशीन्स हम यूज कर रहे हैं आज के समय में। जो पहला इसमें है रेल फीडर कार, फिर ट्रैक स्लैब लेइंग कार, CAM लेइंग कार और फ्लैश बट वेल्डिंग मशीन। इसमें से रिसेंटली ये जो फ्लैश बट वेल्डिंग मशीन निकाली है, ये बहुत ही ज्यादा फास्ट है। 25 मीटर लॉन्ग 60 kg रेल्स को ये 200 मीटर लॉन्ग पैनल्स को बहुत ही एफिशिएंटली वेल्ड कर देती है। तो वहीं हमारी जो ट्रैक स्लैब लेइंग कार है, ये एक बार में 5 स्लैब को ले जाती है, ट्रांसपोर्ट करती है एट अ टाइम। और वहीं फिर रेल फीडर कार एंड सीमेंट एस्फाल्ट इंजेक्शन कार फाइनल स्टेजेस ऑफ कंस्ट्रक्शन प्रोसेस में हेल्प करती है। बट अब ये जो झटका लगा है ना, 2 घंटे का जब पहले एस्टिमेट बताया जा रहा था, अब फाइनली शायद 3.5 से 4 घंटे का सफर होगा। क्या आपको सच में लगता है कि अब भी वर्थ है भारत को ये डेवलप करनी चाहिए कि या हमें कुछ इनिशियल ट्रेन सेट्स जापान से ऑर्डर कर ही देना चाहिए, भले ही इनकी कॉस्ट थोड़ी ज्यादा है, 460 करोड़ रुपीज हर एक ट्रेन सेट की। देखते हैं आप क्या सोचते हैं इसके बारे में।